रावण का नाम रावण कैसे पड़ा और इसका शिवजी और शिव तांडव स्त्रोत से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं आज की कहानी। रावण का पहले नाम दशग्रीव था, जिसने धोखे से अपने भाई कुबेर से सोने की लंका और पुष्पक विमान छीना। जीत की खुशी में पुष्पक विमान में घूमते हुए दशग्रीव कैलाश पर्वत के पास पहुंचा। शिवजी के निवास स्थान में जाने लगा तो उसके विमान के आगे कैलाश पर्वत के द्वारपाल नंदी आकर खड़े हो गए, जिन्होंने उसे आगे जाने से रोका। दशग्रीव अहंकार के नशे में डूबा था और उसने नंदी का मजाक बनाते हुए उसे वानर कहते हुए कहा कि कोई मुझे आगे जाने से नहीं रोक सकता। अपने आप को वानर बुलाए जाने पे नंदी ने दशग्रीव को श्राप दिया कि मैं तो वानर नहीं हूँ, लेकिन तेरे इस अहंकार का विनाश जरूर वानर करेंगे। उसे नंदी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कैलाश पर्वत को उठाकर अपने विमान के आगे से हटाने लगा। भगवान शिव ये सब देख रहे थे, उन्होंने हल्के से अपने पैर की उंगली से कैलाश पर्वत को दबाया और दशग्रीव दर्द से चीखने लगा। माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी चीख सुनाई दी। इतने दर्द और शिवजी के क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए दशग्रीव चीखते हुए गाते हुए महादेव के गुणगान करने लगा। उस समय जो गुणगान उसने किया वो आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसी दिन दशग्रीव को शंकर भगवान से नाम मिला रावण, जिसका संस्कृत में मतलब है गर्जन या चिल्लाहट।